उनको एज अ विक्टिम और एज एन एक्यूज, दोनों एस्पेक्ट से हम देखेंगे कि अगर कोई चाइल्ड है, अगर उसने ऑफेंस किया है तो उसको, एंड देन अगर कोई चाइल्ड है और उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया गया है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन, यानी दो चाइल्ड से, चाइल्ड एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्यूज और अगर चाइल्ड एज अ विक्टिम है तो, राइट ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो पूरा आपका लॉ है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। सबसे पहले अगर आप अपने इंडियन लीगल सिस्टम में देखो और ऐसा कौन सा लॉ है जिसने शुरुआत की कि चिल्ड्रन से रिलेटेड हम एक अलग सा लेजिस्लेशन बनाएंगे और उस लॉ में वी विल टॉक अबाउट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, राइट। तो सबसे पहले जो आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे देन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, दैट इज़ कौन सा लॉ है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो वो आपका द अप्रेंटाइस, राइट, द अप्रेंटाइस एक्ट है। और ये जो आपका एक्ट है ये आपका 1850 का है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। जो अप्रेंटाइस मतलब जो गार्जियनशिप की बात करते हैं, जो टेक केयर की बात करते हैं, ये आपका पहला लॉ था, द अप्रेंटाइस एक्ट 1850, राइट। इस लॉ के बाद फिर हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं कि अगर हम बच्चों से रिलेटेड एज हम, क्योंकि पैनल लॉज की बात कर रहे हैं, बच्चों से रिलेटेड अगर हम कोई लॉ बना रहे हैं तो दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट लॉ था, दैट इज़ इंडियन पैनल कोड, राइट भूमिका। अब जरा इंडियन पैनल कोड पे आओ, यहाँ पर इंडियन पैनल कोड में हम दो सेक्शंस पढ़ते हैं। मुझे बताओ भूमिका कौन से वो दो सेक्शंस हैं आईपीसी में जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड यू नो एक्ट की बात करते हैं कि अगर कोई चाइल्ड है और वो, वेरी गुड, इस मीन सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83। तो जो हम लोग डोली इनकैपेक्स और डोली कैपेक्स कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज होगा वो कोई भी ऑफेंस करे, उसकी इंटेंशन क्या है डजेंट मैटर, आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, उसके एक्ट को आप ऑफेंस नहीं कह सकते, राइट, सेक्शन 82। लेकिन जैसे ही आप 83 की बात करते हो वहाँ पर आपका इंटेंशन मैटर करता है, अगर आप 7 से ऊपर वाले एज की बात करोगे और वहाँ पर नेचर ऑफ ऑफेंस देखेंगे और अगर चाइल्ड जानता है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो अगेंस्ट लॉ है या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तब पनिश होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये जो दो सेक्शंस हैं इंडियन पैनल कोड में, इन्होंने दोनों पर्टिकुलर सेक्शंस ने चिल्ड्रन से रिलेटेड अलग से लेजिस्लेशन की मतलब अलग से लॉ प्रोवाइड कराया कि अगर कोई चाइल्ड है और वो एक्यूज है तो क्या चीज़ होगी। तो यहाँ पर तो आपने अंडर 7 लिखा और यहाँ पर अंडर 12 लिख दिया, तो यानी 12 तक चाइल्ड को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, इवन देन वो ऑफेंस में इंक्लूडेड है। तो आईपीसी के बाद अगर हम देखें तो एक आपका सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है जो स्पेशली, ये पर्टिकुलरली हम क्या बात कर रहे हैं कि कौन से वो लॉज हैं जो चिल्ड्रन से रिलेटेड यू नो स्पेशल प्रोविज़न देते हैं। सीआरपीसी का आप सेक्शन 27 याद करो, तो सेक्शन 27 जुवेनाइल के बारे में बात करता है कि अगर एक्यूज है वो पर्सन जो कि अंडर 16 है, जो एक्यूज है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, ऑफेंस करते समय अगर वो एक्यूज है और इसके बाद जब वो कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पर उसके ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो जनरल प्रोसीजर से डिफरेंट है, राइट। तो जनरल प्रोविज़न नहीं है, यानी का इनका क्या मतलब है कि सेक्शन 27 में हमने स्पेशल प्रोसीजर दे दिया कि भाई अगर एक्यूज एक चाइल्ड है तो चाइल्ड को आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे, उनके लिए जो एक जनरल एक्यूज को ट्रायल करने का प्रोविज़न है आप वो उसमें अप्लाई नहीं करोगे, ये चीज़ है। अब यहाँ तक तो ठीक है, ना द क्वेश्चन कम कि आप इन लॉज की बात कर रहे हो तो जरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविज़न की बात करते हो, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चिल्ड्रन को हम स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। द आंसर इज़ यस, वेरी गुड भूमिका। तो 15 क्लॉज 3 से जो आप शुरू कर रहे हो, यानी 15 क्लॉज 3 स्टेट को कहता है कि आप स्पेशल लॉ बना लो क्योंकि हमें चिल्ड्रंस को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है। इसके अलावा अगर आप TPSP की बात करो देन दैट इज 39F, राइट, तो वहाँ पर 39F भी आपका आता है। एंड देन एक और आपका सेक्शन है जो मैंने पहले लिखना था, दैट इज 39E,
है ना, फंडामेंटल राइट्स, वेरी गुड, 45 एंड 47 भी, एंड देन फिर आप 45 जैसे आप बता रहे हो, 47, और एक और आपका फंडामेंटल राइट है जो कि आपका 21A भी है जो आपने अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया, वेरी गुड भूमिका। तो ये सारे जो प्रोविज़न हैं आपके, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर हम चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करें तो दो और प्रोविज़न आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 23 एंड 24, है ना, इज़ इट करेक्ट भूमिका। तो ये जो प्रोविज़न है यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका मेन लॉ है वहाँ आपको बता दिया गया कि हम चिल्ड्रन को लेके स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। अब आप देखो, अभी हमने जुवेनाइल जस्टिस पे जो हमने 2015 का लॉ जो आपके एमपी में एग्ज़ाम में आएगा उसको पढ़े, इससे पहले हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट, जो अप्रेंटिस एक्ट आ रहा है 1850, इसके बाद आईपीसी 1860 आ रहा है, एंड देन जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो 1950 में आ रहा है, इसमें हमने स्पेशल प्रोविज़न दे दिए। और जब ऐसे आप स्पेशल प्रोविज़न दे रहे हो फिर आपने सीआरपीसी में सेक्शन 27 दे दिया। तो यहाँ तक तो आपने पढ़ा, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन मिल रहे हैं आपको, पर्टिकुलर आर्टिकल्स मिल रहे हैं इस लॉ को छोड़कर, एक पूरा पूरा प्रॉपर एक लॉ चिल्ड्रंस को लेके, चाहे वो चाइल्ड एक्यूज हो या वो विक्टिम हो, उसको लेके अलग से प्रोविज़न, अलग से लॉ नहीं बना था, इसकी शुरुआत फिर आपने कहा सी कि दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने चाइल्ड रिफॉर्मेटरी स्कूल खोला है, चाइल्ड रिफॉर्मेटरी स्कूल इन 1876 है, और आप भूमिका बस एयर थोड़ा सा देखिएगा कि जो मैं एयर कह रही हूँ वो ठीक है, चाइल्ड रिफॉर्मेटरी स्कूल यानी ये वो इन्होंने स्कूल एक्ट बनाया जिसमें कि अगर कोई बच्चा एक्ट करेगा तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे, उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, उसको रिफॉर्मेशन के लिए भेजेंगे, उसको पनिश नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो। अगर कोई चाइल्ड ऑफेंस करता है तो ये माना जाता है कि उसकी इंटेंशन नहीं है और आप उसको पनिश मत करो, बट आप उसको क्या करो, सुधार करो। इसीलिए बाद में आप आके एक चीज़ पढ़ोगे, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना, तो वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब लॉ से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, लॉ को ओबी नहीं कर रहा, बस ये माना जाता है कि आप लॉ को मान नहीं रहे, ओबी नहीं कर रहे, इसलिए आपने ये किया। ऐसा नहीं माना जाता है कि आप एक ऑफेंस करने के पर्पज़ से, एक क्राइम करने के पर्पज़ से ये एक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो चाइल्ड रिफॉर्मेटरी स्कूल है, 1876 है, लेकिन इसमें एक कभी कभी यहाँ पर 1890 के अराउंड, 94 या इस टाइप का अराउंड, 97 के अराउंड कुछ करके आता है, तो आप ये जो ना भूमिका एक बार इसको चेक कर लेना, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट मुझे यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है कि 1876 है कि 1894 है, राइट, तो यू कैन चेक इट आउट, दैट इज़ फाइन। नाउ जो सबसे पहला स्टेप ले रहा है वो ले रहा है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि भाई कोई तो ऐसा सेपरेट लॉ बनाओ जिसमें कि बच्चों को लेके ट्रायल सिस्टम ही अलग तरीके से हम रखें, उनको ट्रीट हम अलग तरीके से करें, और वहाँ से इन्होंने चिल्ड्रन एक्ट की बात करी। तो बेसिकली जो आपका चिल्ड्रन एक्ट शुरू हो रहा है ना, चिल्ड्रन एक्ट जो आपका 1960 है, यहाँ से चिल्ड्रन एक्ट की आपने शुरुआत कर दी, और आपने कहा हम चिल्ड्रंस को लेके ही एक्ट बनाएंगे, दैट इज़ चिल्ड्रन एक्ट। तो आपको पता है कुछ हमारे पास प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे, यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रेसिडेंसी थे वहाँ पे तो हमने चिल्ड्रंस को रिलेटेड थोड़ा स्पेशली प्रोटेक्ट किया, बाकी सब जगह अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इसके बाद फिर जो हम लेके आए हैं, जो हमारा मेन जो मुद्दा है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो अब आपका यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो रही है, दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस राइट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, राइट, चिल्ड्रेन, राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, डोंट वरी, समझ में आना चाहेगा आपको, थोड़ा आ रहा होगा, चिल्ड्रन एक्ट है ना, देन ये आपका 1986 है। यहाँ से आपका जो इंडिया में अगर मैं बोलूँ एक यूनिफॉर्म लॉ बनना शुरू हुआ, ये आपका 1986 से आ रहा है, राइट, ओके भूमिका, 1986 से। और अभी 2015 का जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, अगर हम बेसिक ड्राफ्ट बोलें तो यही लॉ है, क्योंकि एक तो इन्होंने जुवेनाइल वर्ड यूज़ कर लिया,
ठीक है। और दूसरी बात है, इसके सेक्शंस जो है मोस्टली सेक्शंस है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ हमने आगे भी कंटिन्यू किए। यहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हुआ, ये एक डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि एक तो आप कह रहे हो कि जो गर्ल होगी उसकी एज कितनी होगी, बॉयज़ की एज कितनी होगी, तो 16 और 18 एज का हम डिफरेंट तरीके से चिल्ड्रन को ट्रीट कर रहे थे। अगर कोई चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है, अगर कोई चाइल्ड मेल चाइल्ड है, तो चाइल्ड होता है, आप सेक्स के ग्राउंड पर उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करो तो ये फेयर नहीं है, ऐसा कहा गया। क्योंकि इसमें गर्ल के लिए 18 और बॉयज़ के लिए 16 ईयर्स को माइनर माना जा रहा था, बाकी इसके बाद नहीं। यहाँ पर हमने जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन किया है, अगर आपने GKGS में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना भूमिका, यूनाइटेड नेशंस क्या पढ़ा है, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, ये जो आपका कन्वेंशन हो रहा है ना, इसने आपके इस लॉ पे काफ़ी सारे चेंजेस किए। और ये जो आपका कन्वेंशन हो रहा है, बेसिकली है तो ये 1989 का, ओके, लॉ आपका 86 का है, लेकिन इंडिया ने इसको 1992 में रेटिफाई किया है। यानी जब तक हमने माना ही नहीं तो हमने इसकी बातें भी नहीं मानी, बट जैसे ही हमने 1992 में इसको मान लिया कि ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो कि चाइल्ड की एक यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म एज होना चाहिए जो सबके लिए अप्लाई हो, और दूसरी बात है हम लोग प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे चिल्ड्रंस को, है ना, मेन हमारा मुद्दा है, यानी जो पैरामाउंट इंटरेस्ट है वो किसका होगा, चाइल्ड का। तो सबसे पहली प्रियोरिटी जो हम देंगे वो चाइल्ड को देंगे। और इस कन्वेंशन में एक जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि अगर आपका क्रिमिनल सिस्टम बच्चों को पनिश कर रहा है, या फिर अगर आपका क्रिमिनल सिस्टम बच्चों की राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा एज अ विक्टिम, या फिर अगर वो एक्यूज हो गए किसी एक्ट में इनोसेंटली भी या विदाउट एनी इंटेंशन, तो आप उनको उनकी डेवलपमेंट को रोको मत, मीन्स टू से आप उनमें रिफॉर्म करो, है ना। तो यहाँ पर जब हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया 1992, तब हमने देखा कि हमारा जो ये लॉ है 1986, इसमें तो काफ़ी सारे लैकुनाज हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, हमको अब चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद जो हमने चेंज किया, तब हमारा आ रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ध्यान दीजिएगा, यानी तब आपका क्या आ रहा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और ये कब का है, 2000। सो बेसिकली ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि JJ एक्ट 2000 है ना, तो अभी जब CRPC का आप पुराना बेरक या टेक्स्ट बुक उठा के देखो तो आपको JJ एक्ट 2000 मिल जाता है उसका कंटेंट। ये जो JJ एक्ट था, इस JJ एक्ट ने आपका सन 2000 में एक चीज़ कॉमन कर दी कि जो एज थी दोनों की इक्वल कर दी, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, इनको इक्वल कर दिया। दूसरी बात, इसमें कहा कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी अगर किसी चाइल्ड ने ऑफेंस किया है तो वो 3 ईयर्स होगी, राइट। ये कुछ चेंजेस हैं जो बेसिक हम चीज़ें स्टार्टिंग देखना चाह रहे हैं, वही है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसीज, इनको डिफाइन भी किया, लेकिन देन फाइनल फॉर्मेट में इनके भी फ्लॉज को एग्जामिन करने के बाद, और स्पेशली अगर आपको वो केस याद होगा, दैट इज़ निर्भया केस, केस का नाम क्या था भूमिका, केस का नाम क्या बेटा, क्विकली बताओ, उस केस का नाम क्या है जो आपका निर्भया केस के नाम से जाना जाता है। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि आपका जो 2015 में जो लॉ आ रहा है ना, जो आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, राइट, वो आपका लॉ इस केस के बाद, यानी जस्टिस JS वर्मा की रिपोर्ट के बाद, आई कॉन्ट रिकॉल, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जस्टिस JS वर्मा ने मुकेश एंड अदर्स वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली के जजमेंट में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका जब वर्डिक्ट दिया है वो, और दूसरी बात है JS वर्मा की रिपोर्ट। तो प्लीज़ रिमेंबर, जब आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देख रहे थे, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स की दी थी, अच्छा भला ये लॉ चल रहा था, लेकिन फिर आप NCRB को कैसे भूल सकते हो, NCRB ने भूमिका क्या बोला, NCRB ने जब अपनी रिपोर्ट दी
तो 2012 के बाद, क्योंकि आपका इतना हीनियस क्राइम हुआ था निर्भया वाला, जिसमें कि आपको याद होगा जो सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व था, जिसने सबसे ज़्यादा हीनियस एक्ट किया था वो माइनर था, राइट? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो उस जजमेंट के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा जो जे जे एक्ट है 2000, जो आपको अगर अक्यूज माइनर है और वो अंडर 18 इयर्स है, अगर वो ऑफेंस करता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट आप 3 इयर्स दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो काम ख़राब हो गया। और दूसरी चीज़ एक और भी हुई, वो ये कि ये जो जुबिनाइल जस्टिस है, ये एक तो एक कैटेगराइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहा, दूसरी बात जो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है ऑफेंसेस एंड चिल्ड्रंस उसमें इन्वॉल्व है, उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रहा था ये जे जे एक्ट ऑफ 2000। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट हमारे पास एक ऐसा लॉ नहीं था जो इन टर्म्स ऑफ एक्यूज और इन टर्म्स ऑफ विक्टिम, एक्यूज और इन टर्म्स ऑफ विक्टिम माइनर के राइट्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करे, ठीक है? तो इसीलिए आफ्टर जेएस वर्मा रिपोर्ट एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 ये चीज़ मानी गई कि ये जे जे एक्ट है, इसको हम कंप्लीटली सुधार करेंगे, राइट? एंड देन फिर हम लेके आए आपका जो ये लॉ पढ़ रहा है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस, राइट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको चाह रही थी बताना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर ये जो एक्ट है 2015 का, इस लॉ ने आपके 2000 वाले सन 2000 में जो जे जे एक्ट आया था इसको रिपील कर दिया, ठीक है, रिपील कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। और ये आपका सेक्शन कौन सा है, 111, अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 111। तो अभी हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 111 ऑफ 2015 एक्ट, पूरा नाम ना लेके भूमिका मैं 2015 एक्ट बोलूँगी, आप समझ जाएगा। 2015 एक्ट में सेक्शन 111 के थ्रू आपने 2000 वाले लॉ को कम्प्लीटली रिपील कर दिया, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आपको मोटा मोटा एक रफ आइडिया हो गया कि अभी जो हम लोग जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015 पढ़ेंगे, जो आपका एग्ज़ाम में भी आएगा, दो चीज़ें उसमें देखनी है। एक, जहाँ तक आपने हिस्ट्री देखी इसकी, ये कई सारे लॉज आए थे बट वो प्रॉपरली विक्टिम के कंटेक्स्ट में और एक्यूज के कंटेक्स्ट में माइनर के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि जब हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करते हैं, तो निर्भया केस के बाद ये भी चीज़ क्लियर हुई कि आप हीनियस क्राइम का कॉन्सेप्ट भी रखो, आप चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करो, दैट इज़ फाइन, लेकिन आप चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करते समय ये भी मत भूल जाइए कि लॉ एंड ऑर्डर भी आपको मेंटेन करना है, लोगों को आपको मैसेज भी देना है, डेटरेंट थ्योरी भी हमें दिखानी है जो हीनियस क्राइम है। इसीलिए आपका जो ये 2015 का एक्ट है, इसने 2000 वाले एक्ट को रिपील किया 111 से, और साथ ही साथ इसमें एक सेक्शन 25 है हम लोग पढ़ेंगे, जिसने ये भी बोला कि ठीक है, हमने इस एक्ट को कम्प्लीटली रिपील कर दिया और इस लॉ में हमने जो प्रोविज़न रखे हैं वो काफ़ी टफ है, रिग्रेस हैं, और लेकिन ये सेक्शन 25 कहता है कि अगर कोई मैटर पहले से पेंडिंग है, ठीक है, भूमिका पहले से पेंडिंग है, जिसका का ट्रायल आप सेक्शन आप एक्ट ऑफ 2000 के थ्रू चला रहे हो, उस पर इसका इफेक्ट मत डालना, राइट? इसका मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। सेक्शन 25 को इसको पढ़ेंगे हम कि इसमें ये स्पेशल प्रोविज़न है, ये आपके सब्सटैंटिव राइट की इफेक्ट करता है, इसीलिए आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के 2015 वाले एक्ट को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? तो ये कुछ मोटा मोटा आपका रफ आइडिया है कि ये जुवेनाइल जस्टिस का आपका जो लॉ आ रहा है बेसिकली क्या है। अब आप इस पे आ जाओ, वेरी गुड, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। अब आप आ जाओ कि हम इस लॉ के अंदर जाएंगे, दैट इज़ एक्ट ऑफ 2015। इसके हम अंदर जाएंगे, मीन्स टू से इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, जरा हम देख लेते हैं इसमें कितने टोटल चैप्टर्स। तो इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके, अगर आप देख पा रहे होगे, दैट इज़ 10,
यही है ना भूमिका, आप बैरक लेके बैठे हो ना मैम। सेक्शन 27 सीआरपीसी हैज़ द एज लिमिट ऑफ 16 ईयर्स, वेयर एज जे जे एक्ट प्रोवाइड फॉर 18 ईयर्स ऑफ एज, वाई इज दैट? यही ये चीज़ एक्चुअली क्या है कि यहाँ यूनिफॉर्मिटी, सेक्शन जो 27 है ना भूमिका सीआरपीसी, उसका इफेक्ट थोड़ा दूसरा है। अगर आप उसकी लैंग्वेज पढ़ोगे सेक्शन 27 की, तो सेक्शन 27 में क्या लिखा है, क्या उसमें ये लिखा है कि एट द टाइम वेन द एक्यूज हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, भूमिका ध्यान दीजिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से, सेक्शन 27 ऑफ सीआरपीसी में किस टाइम से आप एज काउंट कर रहे हो, किस टाइम से एज काउंट कर रहे हो? सेक्शन 27 में पहली बात तो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, ये सिर्फ आपके ट्रायल सिस्टम को इफेक्ट करता है, आपके सब्सटेंशियल राइट को इफेक्ट नहीं करता। वो आपको पनिशमेंट की ये नहीं बता रहा कि कितना कम ज़्यादा देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो जुबिनाइल जस्टिस में आप पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे, एट द टाइम वेन द पर्सन, जो कि कंफ्लिक्ट विद लॉ है माइनर, जिस दिन वो ऑफेंस करता है, जिस टाइम वो ऑफेंस करता है, उस टाइम की एज मैटर करती है जुबेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन में। जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो एट द टाइम वेन ही अपियर्ड इन द कोर्ट, तो वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंस है इसका। इसका मतलब कि सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है वो कब से आप, क्योंकि देखो सीआरपीसी का प्रोसीजर प्रोस्पेक्टिवली तो नहीं होता, आप प्रोसीजर रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करोगे, जब कोर्ट में आ रहा है वो उस दिन देख रहे हैं कि आपकी एज कितनी है, तो इससे आपका आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा है। लेकिन अगर मुकेश वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में देखोगे ना भूमिका, वहां पर ये कह रहा है कि जो एक्ट, जो चाइल्ड है, अगर वो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस इज जस्ट 16 ईयर्स, और फिर आपने ये लॉ लेके आया, और तब अगर ये लॉ कह रहा है कि अगर 16 to 18 ईयर्स का कोई बच्चा अगर वो ऑफेंस करेगा और वो हीनियस क्राइम होगा, तो आप इस एक्ट का बेनिफिट नहीं दोगे, तो क्या उस पर्सन को जो निर्भया में इन्वॉल्व था, आप उस पर ये लॉ लगाओगे? भूमिका बताओ मुझे, लगाओगे? नो, वेरी गुड। इसका मतलब कि जे जे एक्ट इज टॉकिंग अबाउट इफेक्ट सब्सटांटिवली, पनिशमेंट कितना होगा। लेकिन अगर हम ट्रायल की बात करें तो ठीक है, ट्रायल कर लो, ट्रायल में क्या जाता है ना, सीआरपीसी जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रायल। तो ट्रायल में भी आप सेक्शन 27 में देखो कितना सारा सेफ गाइडलाइंस आपको दिया है कि कौन करेगा उसका ट्रायल, कैसे होगा उसका ट्रायल, रिफॉर्मेशन की बात करो आप, ऑल दीज थिंग्स। एनीवेज, ये जो आपके इस क्वेश्चन को और प्रॉपरली हम एड्रेस करेंगे जब हम लोग इसके अंदर डीप में जाएंगे, ठीक है भूमिका? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट कम टू दीज 10 टोटल 10 चैप्टर्स। एक चीज़ और जो मैं आपको बताऊँ, किसी भी एक्ट को पढ़ते हो तो इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट देख लीजिए। Now it is that 15 January, if I am not wrong, 15 January 2016, is it Bhumika? Okay, very good. तो अब आपने इस एक्ट को इन्फोर्स कराया है, जब आपका एक्ट आ रहा है उसमें 15 जनवरी 2016। अगर शायद आप एक्ट नंबर देखोगे, अगर MP ने आपका एक्ट नंबर पूछ लिया, if I am not wrong, that is true, is it? ठीक है, अब आप इसके चैप्टर्स पे आ जाओ, क्विकली आ जाओ फटाफट। नाउ जस्ट कम टू चैप्टर वन इज सिंपली अ प्रिलिमिनरी पार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप किसी लॉ को पढ़ोगे तो ये जो प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, इससे एज द नेम सजेस्ट, प्रिलिम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम प्रिलिम पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रिलिम पार्ट में क्या दिया है। तो ऑब्वियसली प्रिलिम पार्ट में आपका दिया है इसका नेम क्या, इसका एक्सटेंशन क्या, इसकी सेविंग, इसका नेचर क्या, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या, ये बेयर एक्ट की चीज़ें हैं, ये तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, है ना, इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप क्योंकि इस चैप्टर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, राइट? अब सेक्शन 2 इज़ इंटरप्रिटेशन, क्या है इसमें, इंटरप्रिटेशन। तो जो इंटरप्रिटेशन का मतलब डेफिनेशन, इस सेक्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे इस सेक्शन को पूरा नहीं, इसके कुछ क्लॉजेस बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप माइनर की बात करोगे ना तो माइनर, डेलिंक्वेंट, ये सारे कुछ सेक्शंस के क्लॉज हैं जो आप इसमें पढ़ेंगे, राइट? तो अभी हम इसमें नहीं चलते, तो इसका आप हम कुछ चीज़ पढ़ेंगे, वन, एंड देन आपका 13, 14, यानी 2 क्लॉज 12, 2 क्लॉज 13, 2 क्लॉज 14, क्योंकि हम माइनर की बात करेंगे, और फिर चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और कैसे पढ़ेंगे,
तो और क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो आपके चाइल्ड की कैटेगरी होती वो दो, यानी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। भूमिका, अभी शायद आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, बताएंगे आपको। दो कैटेगरीज ऑफ चाइल्ड हैं इस चैप्टर में, इंटरप्रिटेशन में दो, ठीक है। तो एक तो होता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, तो इसको हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन CCP पढ़ लेंगे, और चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ CCL, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो मेरी बात को, एक तो हम कह रहे हैं ऐसा चाइल्ड जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जुवेनाइल जस्टिस वो भी बता रहा है आपको। दूसरी बात कह रहा है ऐसे चिल्ड्रन जिन्होंने कंफ्लिक्ट विद लॉ किया है उनको ही प्रोटेक्ट करो। तो ये तो हम एक्यूज का कंटेक्स्ट देख रहे हैं इसमें, राइट भूमिका, और यहाँ पर एज अ विक्टिम देख रहे हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये जो आपका लॉ है ये दोनों कंटेक्स्ट की बात करता है। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो 2 clause 13 एंड 2 clause 14, तो दो बारह तेरह चौदह पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन तो मैं पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से, नॉट अ मैटर टू डिस्कस। यहाँ की बात, अब ये आप इस पे आ जाओ ज़रा सा कि चैप्टर का हम एनालिसिस कर लेते हैं। हमने चैप्टर वन में कहा आपको प्रिलिमिनरी है, नाउ कम टू दिस चैप्टर टू। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कितने सेक्शंस हैं भूमिका चैप्टर टू में, कितने सेक्शंस? सिर्फ एक सेक्शन, वेरी गुड। इसका मतलब सिर्फ एक सेक्शन, लेकिन एक सेक्शन ऐसे ही थोड़ी दे दिया आपको, मेहनत करवाएंगे आपसे। वो आपसे पूछेंगे कि जब भी आप किसी चाइल्ड की प्रोटेक्शन की बात करते हो, जब भी कभी आप इस लॉ की बात करोगे, तो जजेस को कुछ जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। आप सोच रहे हो कि ये क्या है, इसका मतलब ये है कि सेक्शन 3 कहता है कि कुछ ऐसे यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स हैं जो ये लॉ होता तब भी, ना होता तब भी, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस और चाइल्ड राइट्स किया है, तो कुछ ऐसे राइट्स हैं चिल्ड्रन के, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमें बच्चों पर अप्लाई करने हैं, दैट इज़ फाइन। तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। अब आप सोचो कि कितने प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको अराउंड 16 प्रिंसिपल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वेरी गुड, 16 प्रिंसिपल हैं। इन 16 प्रिंसिपल में आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि MP पहली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस पहली बार ना भूमिका, प्रिलिम में पहली बार पूछ रहा है आपसे ये, ओके। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं फॉलो करेगा, बहुत चीज़ें टफ नहीं यूज़ करेगा कि भाई क्या करना है इसमें। इसमें सिंपली जो है वो आपको ये बोलेंगे कि एटलीस्ट अगर आपने इस लॉ की बात करें तो आपने बेसिक कुछ तो चीज़ें पढ़ी हो। अगर हम जुवेनाइल जस्टिस की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस का लॉ क्या है, क्या चीज़ें आप इसमें फॉलो करते हो, इतना बताओ। इसके लिए जनरल प्रिंसिपल देखो, अब सोचो अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा है, आई होप आपने पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें तो आपको पहले ही से याद होंगी। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई मैटर डिसाइड करो, जब हम कस्टडी के मैटर डिसाइड करते हैं अंदर हिंदू लॉ में, तो चिल्ड्रन का जो राइट होता है वो पैरामाउंट इंटरेस्ट, यानी सबसे ऊपर किसका राइट होता है भूमिका, यानी चिल्ड्रन के राइट को आप सबसे ऊपर रखते हो, यानी पैरामाउंट इंटरेस्ट इज द चाइल्ड। तो यहाँ पर जो आप रू प्रिंसिपल पढ़ोगे, इसमें ये पढ़ोगे कि जब भी आप कोई मैटर डिसाइड करो तो सबसे ऊपर किसके हित को रखोगे, किसके हित को रखोगे, चिल्ड्रंस के। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल जस्टिस सबसे ज़्यादा आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, उनको सिक्योर करना है, उनको अगर किसी को अडॉप्शन पे दे रहे हो तो उनकी सिक्योरिटी देखते चलो, ये सारी चीज़ें, मतलब कुल मिला के जो आप इसमें देखोगे वो 16 प्रिंसिपल का छोटा छोटा पॉइंटर हम तैयार करवा देंगे आपको, राइट, जो हम डायरेक्ट इसमें देखेंगे, बस ऐसे ऐसे जाएंगे कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो इनकेस अगर आपका एग्ज़ाम हो तो आप चीज़ें अच्छे से कर लो, राइट। तो ये तो आपका हो गया, दैट इज़ बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें, 16 प्रिंसिपल्स स्टार्टिंग में ही दे दिए, क्यों हम इसको ना पढ़ें, है ना, पढ़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम इस इतने बड़े लॉ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें इसको देखना चाहिए प्रिंसिपल्स नाउ, और मेहनत भी नहीं लगनी आपसे, एक ही सेक्शन है। अब आप आ जाओ चैप्टर 3 पे, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपको, आप यहाँ पर एक बोर्ड बना रहे हो, दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, राइट, जिसको आप ब्रीफ में कह दो
जे जे बोर्ड, एक तो आप जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड बनाओगे, अभी मैं आपको बताऊंगी जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड क्या है और क्या डिफरेंस आप क्रिएट करोगे अगर जो आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाओगे तो यहाँ पर अभी आप पढ़ोगे आगे जस्ट कुछ एक चैप्टर के बाद कि एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी होती है। तो आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अगर आपने दोनों पढ़ी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन मेंबर्स होते हैं, इसमें कौन मेंबर्स होते हैं, ये किस बारे में बात कर रहा है और आपका कमेटी किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट कम टू चैप्टर फोर। अच्छा एक चीज़ और, ये जो जुबिनाइल जस्टिस का बोर्ड बना रहे हो आप, इसमें कितने सेक्शंस कवर कराओगे? सेक्शन 4 to 9। तो ये बेसिक जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना भूमिका, इसको तैयार करके ही जाना है क्योंकि इससे आपके सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में सही हो जाते हैं। एक रेंज आपसे रेंज पूछ लेते हैं किस सेक्शन से किस सेक्शन तक आपका ये चीज़ जा रहा है। ठीक है, ओके। सेक्शन 6 क्यों लिखा है भूमिका आपने, मुझे बताओ जल्दी से क्विकली, व्हाट फॉर सेक्शन 6? 6 सेक्शंस, सिर्फ 6 सेक्शंस? 4 to 6 सेक्शन बता रहे हो क्या? 4 to 9 नहीं है? ओके, इन चैप्टर 3 में कितने सेक्शंस हैं, किस सेक्शंस है, रेंज बताओ मुझे ज़रा, क्योंकि मैंने मैंने 4 to 9 लिखा है चैप्टर 4। ओके, 4 to 9 ना चैप्टर 3। ठीक है, सही तो है ना, तो इसके बाद आ जाओ। अच्छा नंबर ऑफ सेक्शंस कह रहे हो, ओके दैट्स गुड, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, गुड। चैप्टर 4 आपने जब बोला ना मुझे लगा कि ये क्या था, क्या सेक्शन 6 तक है। एनीवेज तो ये हम दोनों कलेक्टिवली, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट भी नहीं है, ओनली यू आर हेयर, और मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था एक स्टूडेंट को पढ़ाना, वो भी ऑनलाइन, लेकिन मज़ा आएगा। तो कहते हैं एक बच्चा हो लेकिन अगर एक्टिव हो तो मज़ा आता है। ठीक है, तो मुझे मेरे स्टार्टिंग के फेज़ में ही आपने मुझे बता दिया कि स्टूडेंट इज़ नॉट टेकन एज अ ग्रांटेड। यस भूमिका, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक यू सीरियसली। इनफैक्ट आप फॉर्म फिल कर पा रहे हो ना, दैट इज़ समथिंग विच इज़, जब आपका MP का नोटिफिकेशन आया था तो आई बिकम वेरी क्यूरियस टू नो दीज पीपल, कौन है जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना। तो अभी MP का जो फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो अपने आप में स्पेशल हो गए हैं बिकॉज जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो यू आर फर्स्टली कंग्रेचुलेशन टू यू दैट यू आर फिलिंग दिस फॉर्म, राइट। एनीवेज चलो चैप्टर 4 पे आ जाओ। चैप्टर 4 इज व्हाट? चैप्टर 4 इज टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर किसका बता रहे हो? प्रोसीजर बता रहे हो आप किसका? अब प्रोसीजर कराओगे ऑफ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब अगर जो चाइल्ड है और उसने लॉ के अगेंस्ट जाके कोई एक्ट कर दिया तो आप उसको ऑफेंस तो कहते नहीं हो, आप कहते हो ये तो चाइल्ड वो है जिसने कि लॉ के अगेंस्ट काम किया है। तो अगर कोई चाइल्ड है जो लॉ के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसका प्रोसीजर आपको, जो प्रोसीजर ध्यान रखना, इसका प्रोसीजर आपको चैप्टर 4 में मिल रहा है, राइट। चैप्टर 4 नाउ जस्ट इसका सेक्शंस अगर हम कहें, देन सेक्शन 10 to 26 भूमिका बताना ज़रा मुझे, 10 to 26 इज इट? यस, वेरी गुड। अब आप आ जाओ चैप्टर 5 पे। ये जो चैप्टर 5 है ये आपके लिए फिर से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका कह रहा है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, राइट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आप बना रहे हो, राइट, और ये जो आप JJB बना रहे हो, जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड, इनको ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रखना है डिफरेंस एक चैप्टर 3 में और एक चैप्टर 5 में। ये है सेक्शन 4 to 9 और ये आपका सेक्शन 27 to 30, वेरी गुड, सेक्शन 27 to 30 ये आपका चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है। ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है इसका काम जो होता है, जैसे हमने बोला ना आपको कि जब हम लोग दो कैटेगरी के बच्चों के बारे में यहाँ बात करें, एक तो एज अ विक्टिम, एक एज एन एक्यूज, तो जो CCP है यानी चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, तो जिस चाइल्ड को आप केयर एंड प्रोटेक्शन देना चाहते हो, इस लॉ में बताया गया है, पूरा एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उस सेक्शन में पूरी एक लंबी लिस्ट बता दी आपको कि ये बच्चे हैं जो कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद, सॉरी, जो कि जिनको कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर किसी चाइल्ड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसके लिए हमारे पास सेक्शन क्या है? 27 to 30। लेकिन अगर कोई चाइल्ड CCL है यानी चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अगर कोई चाइल्ड है जिसने कोई एक्ट किया है जो ऑफेंस होता
अगर वो मेजर होता तो उसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर जज बोर्ड, राइट। वेरी गुड भूमिका। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आप लेके आ रहे हो इनके लिए, एंड जो कि कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। तो आप एक चीज़ बिल्कुल कॉमन सी बताओ मुझे कि जो चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ होगा, है ना, तो उसका आप ट्रायल करोगे, है ना, रिफॉर्मेशन करोगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो ये बॉडी कैसी होगी? जुडिशियल जजेस होना चाहिए इसमें, बताइए, जजेस होना चाहिए, होना चाहिए। यस, वेरी गुड, टू ट्राई दम, वेरी नाइस, टू ट्राई दम। इसका मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज अ ग्रुप जिसमें कि आप जुडिशरी इन्वॉल्व है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जनरली द पीपल जो कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, ये सारे लोग, इसको भी हम पढ़ेंगे। नाउ, अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे और डेफिनेशन क्लॉज में भी ये चीज़ देखेंगे कि दोनों कहाँ कैसे डिफाइन है। तो 213 जो है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना, तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे 213 में, और ये कहाँ पढ़ेंगे, चाइल्ड लीज करंट प्रोटेक्शन 214 में, राइट, 214। तो ये आप जब पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं, हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको कि कौन सा कहाँ हमें कनेक्ट करना है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम बाकी इसकी चीज़ हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट हमारे कौन से पार्ट है ये भी हम देखेंगे। नाउ कम टू दिस चैप्टर 6, राइट। अब जरा हम इस पे आते हैं, ये चैप्टर 6 हमसे क्या कहना चाहता है, क्या है जो कह रहा है? ये कह रहा है प्रोसीजर इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यानी प्रोसीजर आप किसका बता रहे हो? अब इसमें आप प्रोसीजर बता रहे हो किसके लिए, जो कि CCP है, यानी वो चिल्ड्रन जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनका प्रोसीजर कहाँ दिया है, इसमें। और यहाँ पर फिर से इधर से देखो, एक स्किप करके, जबकि प्रोसीजर CCL का दिया है चैप्टर 4 में। तो जब ये आपसे अथॉरिटी पूछें, बोर्ड्स पूछें, तो 3 एक स्किप करोगे, 5 अगर प्रोसीजर पूछेंगे तो चैप्टर 4 एक स्किप करोगे, सो 6, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से डेफिनेशन 2 क्लॉज 14 और ये 2 क्लॉज 13, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। नाउ क्योंकि हम चैप्टर 6 तक पहुंच गए हैं, तो ज़रा हमको ये बता दो कि चैप्टर आपका किस सेक्शन से किस सेक्शन तक करोगे कवर? क्या ये 31 to 38 कवर करेंगे हम? वेरी गुड, तो आपने 31 to 38 कर लिया। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ पर एक चैप्टर लिख रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर कौन सा, 7, राइट, 7, इज़ इट 7, जो कि आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट। अब इनका थोड़ा कल्याण तो करवाइए, रिहैबिलिटेशन करवाओ, राइट। रिहैबिलिटेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉ एक्चुअली मैं आपसे जो करी ना, ये जो आपका 2015 वाला लॉ है, ये क्यों बेटर लगा मुझे, क्योंकि अभी 2016 में फिर रेगुलेशन रूल्स भी ले आए। ये लॉ इतना ज़्यादा वेलफेयर सोच रहा है बच्चों का कि उनका मीन्स, ब्रेड, अर्निंग, एजुकेशन, रिहैबिलिटेशन सब कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन आप पढ़ोगे कि आप इनको रिहैबिलिटेट करो, क्यों इन्होंने गलत किया, कैसे इनसे गलत हो गया, कैसे वो लॉ के अगेंस्ट चले गए, तो इसका मतलब कि आप उनको सुधार करो। कैसे? जैसे स्टार्टिंग में आपने रिफॉर्मेटरी स्कूल देखे थे, आप इनमें सुधार करो, इनकी लाइफ सेटल्ड करो, इनके इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाओ, इनके आसपास का जो माहौल ख़राब है उसको ख़त्म करो, सही करो हर चीज़, है ना, बेस्ड ऑन रिफॉर्मेशन। वेरी गुड, रिफॉर्मेशन थ्योरी है, तो इन्होंने रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट दिया। और बड़ा अच्छा आपने वर्ड यूज़ करा यहाँ पर कि जो हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं पनिशमेंट के, जो हम लोग ज्यूरिसप्रूडेंस में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी अब महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट याद है, भूमिका, क्या बोलते थे वो? कहते थे हेट सिन, नॉट द सिनर्स, है ना। तो वो चीज़ है, तो इन्होंने बोला कि भाई आप सिन जो आप इन्होंने गलत किया है, उस गलत को इंक्वायर करो, क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चे हैं, गलत कर रहे हैं, सुधार करो, है ना, बच्चे भविष्य होते हैं। बात अलग है कि आजकल जो आप NCERB की रिपोर्ट्स आ रही हैं, यू नो दैट, आप मुझे ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की, जो 16 to 18 ईयर्स का जो चाइल्ड है प्रेजेंट टाइम में, या आप किसी भी ऑफेंस में देख लो, सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव चीज़ें देखने वाला, सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव एक्ट करने वाले, सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले जो एज है, वो यही हो रही है ना। तो इसलिए एग्जैक्टली तो वो ये चीज़ है। तो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का जो आपका चैप्टर है, दैट इज़ फ्रॉम 39 to 50।
39 to 50, ये रेंज आपको याद करनी पड़ेगी भूमिका, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस वो आपसे पूछे ना पूछे बहुत टफ, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे। जैसे मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों भाई भाई हैं, उनकी आदत है दोनों की कॉपी करने की। छत्तीसगढ़ का पुराना शौक है ये कि वो सेक्शंस चैप्टर रेंज बड़ा पूछते हैं वो, तो एमपी के लिए ये अपने लिए उनके लिए भी नया लॉ है, पूछ लिया उन्होंने एग्ज़ाम में। लेकिन वो भी पहली बार में शायद ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, वो पहली बार में आपसे बस रेंज सेक्शंस पार्ट इसका डेवलपमेंट कैसे आया वही पूछेंगे। उनको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपसे केस लॉस पूछेंगे, जे राइट्स, ओके यस। तो अभी उनका वही मकसद है कि बस हम बच्चों को ये बता दें एक्जैक्टली, मैं एक्चुअली बताऊँ आपको, कॉम्पिटिशन चल रहा है सारे स्टेट्स में। जैसे यूपी ने करा, यूपी ने कहा कि हम देखो दुनिया को दिखाएंगे कि जो हम जजेस बना रहे हैं ना उनके सिलेबस में देखो हम विमेन चिल्ड्रन सीनियर सिटीजन को राइट्स को इतने अवेयर हैं कि हम उनसे एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। मैटर्स नॉट कि उन्होंने एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे, आपको भी पता होगा अगर आपने कभी यूपी का इस बार का पेपर उठा के देखो तो आपने एकदम डरा दिया बच्चों को, 10 लॉ बोल दिए एड ऑन, और प्रीलिम में आपने उनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे। तो अगर ऐसे ही करना था तो आप इतना डराते नहीं, तो वो चीज़ है बस दिखाना था। तो एम पी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, यस यू अपियर्ड फॉर दैट, तो फिर तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता होगा द एक्सपीरियंस दैट यू फेस्ड। आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इस लॉ का नाम बता दो पूरा, राइट तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पर भी जो आपका आएगा वो ये सिचुएशन है कि आप इस पूरे लॉ में एक रेंज पकड़ लो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इस लॉ में कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, आप सारी चीज़ें कर लो, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ना भी पढ़ाएंगे बट कुछ चीज़ें तो कॉन्सेप्ट की हम डिस्कस करेंगे आपसे। चैप्टर 7 एंड देन जस्ट कम टू दिस चैप्टर 7 हो गया, 8 हो गया, इज इट 8 ना, चैप्टर 7 इसके बाद चैप्टर 8 में आप देखोगे अडॉप्शन। और ये मुझे चैप्टर इसलिए भी थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि इस आपके चैप्टर ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी, वो ये, जैसे आपको याद है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, याद है भूमिका, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जो हम सेक्शन बना रहे हैं ना ये कोई ऐसा नहीं है कि हिंदूज के लिए या मुस्लिम्स के लिए या इनके लिए, ये न्यूट्रल है, सेकुलर प्रोविज़न है। इसी तरीके से यस मेंटेनेंस सेकुलर है, इसी तरीके से अडॉप्शन में भी शबनम हाशमी का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोल दिया कि मुस्लिम हो आपके अडॉप्शन नहीं होता, हम मान लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो अडॉप्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है इस लॉ को आप पर भी हम अप्लाई करेंगे। यानी क्योंकि हमने इस लॉ को, हमारा इस लॉ को पर्पस था सोशल लेजिस्लेशन है टू प्रोटेक्ट एंड मेक द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैटर्स नॉट आप किस रिलीजन के हो, मैटर्स नॉट। तो प्लीज़ रिमेंबर ये अडॉप्शन के प्रोविज़न जे के जी जो आपका ये लॉ है ये मुस्लिम हिंदू देखकर नहीं अप्लाई होने वाले, ये सब पर अप्लाई होंगे। ये यहाँ पर शबनम हाशमी का जजमेंट है ना, वहाँ पे भी आपने पढ़ा था। एनीवेज इसको भी थोड़ा आपका देखेंगे। अडॉप्शन के जो प्रोविज़न हैं दैट इज 56 to 73, इज इट ओके। कल की जो हम क्लास करेंगे ना उसमें हम आप ही से पूछेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद चैप्टर दैट इज़ 8 हो गया, 9 चैप्टर 9 में क्या है, चैप्टर 9 वर इट टॉक्स अबाउट अदर ऑफेंसेस, यानी कौन कौन से ऑफेंसेस, किस तरीके की ऑफेंसेस की ये बात कर रहा है, कैसे ऑफेंसेस का कैटेगराइजेशन है। प्लीज़ रिमेंबर ऑफेंसेस जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, आपके पेटी ऑफेंस होगा है ना, या फिर आपका सीरियस ऑफेंस होगा, या फिर आपका हीनियस ऑफेंस होगा। तीन कैटेगरी तो हमें भी पता है ना, नॉर्मली हम लोग लॉ में आ जाएं तो भी जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, इस लॉ में कहा गया कि जो पेटी ऑफेंसेस हैं वो 3 ईयर्स तक मान लो, फिर देन आपके आते हैं ऑफेंसेस जो कि सीरियस होंगे, एंड देन आते हैं आपके हीनियस ऑफेंसेस। जैसे ही उन्होंने हीनियस ऑफेंस की बात कही वहीं पर इन्होंने ये बात सामने रख दी कि देखो हमने मान लिया कि अप टू 18 the पर्सन इज चाइल्ड। पहले ये क्या कहते हैं, इन्होंने बोला कि जो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में इन्होंने माइनर को डिफाइन किया इस लॉ में, उसमें इन्होंने साफ कहा है कि जो चाइल्ड की एज है वो हम 18 मान रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, लड़की है कि लड़का है। लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि जब हम ऑफेंस की नेचर को डिस्कस करेंगे, कहाँ डिस्कस कर रहे हो भूमिका, 9 में, तो अगर कोई ऑफेंस हीनियस नेचर का है तो उस सिचुएशन में आपके ये जनरल प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे,
तब आपका ऑफिस, तब आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा कि आपके, हम रिहेबिलिटेशन की बात करें जो अभी चल रही है प्रेजेंट में डिस्कशन, जैसे मैंने कहा कि 2012 का जो लॉ आया था, इस लॉ में जो मुकेश वर्सेज एलसीटी ऑफ दिल्ली में इस निर्भया कांड में जो सबसे हीनियस क्राइम किया था वो किसने किया था? वो चाइल्ड ने किया था, एट द टाइम ही वॉज अंडर 18, राइट, अंडर 18। लेकिन क्योंकि आपको पता है सबसे हीनियस क्राइम उसी ने किया था, बट क्योंकि ये लॉ रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता है, इसको 3 साल की रिफॉर्मेटरी में भेजकर 3 साल के ड्यूरेशन के बाद उसको छोड़ दिया गया, है ना भूमिका? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस फ्लॉ को दूर करने के लिए और एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखते हुए हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हम ऑफेंसेस में एक हीनियस ऑफेंस के कॉन्सेप्ट को भी लाएंगे कि आप चाइल्ड हो, ठीक है, 16 तक तो हमने हीनियस में भी आपको छोड़ दिया, लेकिन 16 to 18 की जो एज है जिसमें आपके पास इनफ मेच्योरिटी होती है टू नो द नेचर ऑफ ऑफेंस, अगर उस सिचुएशन में ऑफेंस करता है वो माइनर, उस माइनर को माइनर जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा, हालांकि जो इसका इफेक्ट है ये प्रोस्पेक्टिव है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट भूमिका? गुड, वेरी गुड। तो आपके जो ऑफेंसेस की कैटेगरी क्या हो गई, आपका पेटी ऑफेंसेस अप टू 3 एंड देन 7 एंड देन आपका फाइनली हीनियस क्राइम। इसके बाद इस हाँ, और ये ऑफेंसेस का जो चैप्टर है वो कौन सा है, सॉरी सेक्शंस कितने, 74 to 89, इज इट, दैट इज फाइन, 74 to 89, ओके दैट्स गुड। नाउ जस्ट कम टू चैप्टर 10। चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट मिसलेनियस, जो कहीं नहीं मिला हमें वो हम इस चैप्टर में देख लेंगे, राइट, इस चैप्टर में देख लेंगे। अच्छा, जो एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी वो ये, हमने आपसे बोला कि अगर चाइल्ड जो है वो माइनर है तो यहाँ पे एक बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप यू नो आज तो खैर सारा डेटा ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन एज की अगर बात करो, बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ ऑन रिकॉर्ड नहीं होती, है ना, नहीं पता होता हमें उसकी कितनी एज है। और क्योंकि अगर मान लो वो इलिटरेट भी है, वैसे तो नॉर्मली आप कहते हो कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम दिया है 10th का एग्ज़ाम, जो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको एज को डिटरमाइन करो कि यस ओके। लेकिन मान लो कि अगर कोर्ट को देखना है कि यहाँ पे मेन क्वेश्चन ही यही है कि दैट पर्सन हु वाज कमिटेड एन ऑफेंस, दैट इज यू नो चाइल्ड और माइनर, तो उसका डिटरमिनेशन कैसे करोगे वो माइनर है कि नहीं, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 12 के अंदर वो माइनर है कि नहीं, इसको कैसे डिटरमाइन करोगे? इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बताऊँ, वो आपका जो सेक्शन है वो 94 है, राइट। जैसे ये माइनर की बात करें ना, माइनर माइनर कहाँ दिया है, 2 12 में, तो जब माइनर को आप देखना चाहते हो कि वो डिटरमाइन करना है आपको कि वो माइनर है कि नहीं है, देन आपको ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 94 इज डीलिंग विद इट, राइट, वेरी गुड। तो इसका मतलब प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द पर्सन, चाहे वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात करो और चाहे द चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन, वो माइनर है कि नहीं, इसका डिटर्मिनेशन सेक्शन 94 कराएगा। तो 94 हमें पढ़ना ही पड़ेगा फिर तो। इसके अलावा सेक्शन जो आपका जो मिसलेनियस है, इसमें कुछ सेक्शंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये सेक्शन शुरू कहाँ से हो रहा है, दैट इज 90 से 112, राइट, 90 से 112, सब मिक्स हो गया थोड़ा, समझ में आ रहा है ना भूमिका? इज इट, स्पेस कम होने की वजह से हमने इसको यहीं पर डाल दिया, ओके गुड, थैंक यू भूमिका, ओके। सो 92 112, ये 112 है, ओके। यहाँ पर एक सेक्शन है दैट इज 94, तो ये तो आपको पता है। यहाँ 90 से 112 में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आपका सेक्शन एक 111 है, जो ये कहता है कि ये सेविंग्स, मतलब मीन्स टू से कि ये आपका जे एक्ट 2000 को रिपील करेगा, है ना। और साथ ही साथ इसमें हमेशा याद रखो, आपने एक सेक्शन दे दिया सेक्शन 112, मैं बोल रही हूँ आप एक बार चेक करके ज़रूर बताना भूमिका मुझे कि क्या जो मैं फैक्ट बोली वो सही है। सेक्शन 112 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर दे दिए गए कि इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप रूल्स बना लो, इसीलिए 2016 फिर 2019 आप रूल बना रहे हो, इज इट भूमिका, करेक्ट? ओके 110, ओके, देखिए इसीलिए मैं आपका वेट कर रही थी, 110। तो 112 में क्या है भूमिका, ज़रा मुझे बताओ, 112, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दिस बेरेक्ट राइट नाउ, सो शुड आई ओपन द बेरेक्ट, शुड आई,
ओके, दैट्स फाइन। तो वहाँ पर भी ये चीज़ है कि अगर डिफ़िकल्टी होती है तो उन डिफ़िकल्टी को रिमूव करने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब मेरे को याद आ गया है ना, तो रूल मेकिंग है टू सम वे, इट इज़ अ रूल मेकिंग बट नॉट इन दैट सेंस। इसमें यह है कि अगर कोई हार्डशिप आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कैसे इनको फॉलो करवाना है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक, एंड कैन टेक हाउ, बाय मेकिंग रूल्स, है ना। तो एक तो ये चीज़ सेक्शन 112, और बाकी आपने 110 तो आपने बता दिया। और एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स हैं, क्योंकि एमपी में एग्ज़ाम हो रहा है तो वो अपने स्टेट के बारे में पूछ सकता है। हो सकता है वो पूछे कि ये जो भी जे जे एक्ट है, सॉरी एक्ट ऑफ 2015 है, इसमें क्या स्टेट का भी कुछ इंटरफेरेंस है, क्या स्टेट की कोई ड्यूटीज़ दी गई हैं, क्या स्टेट को कुछ करना चाहिए, क्या स्टेट का भी कोई रोल है। तो वो चीज़ें भी हम एक जगह करेंगे कि स्टेट का भी काम है कि वो प्रमोट करे कि ये एक्ट आ चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन को आप प्रमोट करो, वेलफेयर में काम करो, और वेलफेयर कमेटी भी इसीलिए है। इज़ इट ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये ओवरऑल है, इसमें एक चीज़ और भी है, राइट। अब क्या है, जैसे अगर हम चाइल्ड की बात करें, तो एक जैसे मैंने अभी बोला ना आपसे, दो कैटेगरी के चाइल्ड आप कर लो, दैट इज चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। और दूसरा आपका क्या है, दैट इज चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, कंफ्लिक्ट विद लॉ। तो आज तो हम स्टार्टिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पहली चीज़ अगर हम चाइल्ड की बात करें, तो चाइल्ड तो आपको पता है 212 में दिया गया है, ठीक है। रीड विद सेक्शन, कौन सा सेक्शन पढ़ोगे भूमिका, 94। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, वेरी गुड, दूसरी बात, अगर हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन की बात करेंगे, देन ये आपको कहाँ मिलेगा, 214 में, 214 में, तो 214। और यहाँ पर हम बात करेंगे 213, राइट। इसके लिए जो आप अथॉरिटी बना रहे हो, दैट क्या बना रहे हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। नाउ दैट इज इन दैट वे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी है, दैट इज कौन सी है भूमिका, जे जे बोर्ड, वेरी गुड। तो एक तो ये हो गया, ये चीज़ आपका इसमें आ गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड जे जे बोर्ड। तो ओवरऑल जो आपका ये है, इसमें एक अथॉरिटी है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, आपने कारा सुना है, कारा इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी टू मेक अडॉप्शन, राइट, वेरी गुड। तो ये इस कारा से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट की भी बात हो रही है कि जब कभी भी आप एज अ विक्टिम या एज अ एक्यूज अगर आप बात करोगे, तो इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वेन एवर वी आर गोइंग टू डील विद दिस लॉ, वी विल हैव टू फोकस दिस कारा ऑल्सो, राइट। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की बात है। तो ओवरऑल ये आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये कर लेंगे, ठीक है। नहीं, ठीक है, ओके। तो ये जो आपका बेसिक है पूरा, क्या, हाँ, सेक्शन 68, वेरी गुड। तो आप सेक्शन 68 से इसको कंप्लीट कर लोगे, दैट इज़ ऑल। हम लोग इसको बेसिक अगर आप देखें तो ये डिस्कस कर सकते, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये एक तो रफ, मोटा मोटा जो रफ आइडिया था, जो कि आपको ऑलरेडी यू आर गिविंग मी आंसर्स, तो इसका मतलब आपको चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद अब हम जो कल डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा सा क्लास हम कुछ छोटा कर रखेंगे, राइट भूमिका, विल डिस्कस टुमारो। यहाँ पर हम लोग, मैं जो आपको बताऊँगी वो क्या, मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग से कर लिया, टोटल सेक्शंस कितने, टोटल चैप्टर्स कितने, आपको पता है पूरा जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है, कब से भूमिका, कब से, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, और कब से इन्फोर्स हो रहा है भूमिका, ये 31 अक्टूबर, ठीक है। तो ये दूसरी बात, इसमें डेफिनेशंस हम ज़रूर देखेंगे। एक डेफिनेशन हम अबेंडेंट चाइल्ड की देखेंगे, अडॉप्शन की देखेंगे, कौन सी अथॉरिटी है, जैसे अभी आपने बोला कि मैम 68 में करा है, ऑफ कोर्स, तो ये अथॉरिटी तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, अथॉरिटी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम जो प्रिंसिपल हैं सेक्शन 3 के, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो हम स्टार्ट ही सेक्शन 3 से करेंगे, प्रिंसिपल से, बाकी तो आपको पता है।
फिर हम दो चीज़ें और अच्छे से पढ़ेंगे, एक तो जेजे बोर्ड और दूसरा वेलफेयर कमेटी। इसके बाद चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ समझने की कोशिश करेंगे। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो 2 क्लॉज 14 में पूरी लिस्ट दी गई है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, ठीक है। ये आपको इसलिए भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कि वो आपको 4 ऑप्शंस दे दें और उसमें से आपसे पूछ लें कि इनमें से कौन कौन से चाइल्ड नीड्स प्रोटेक्शन, केयर एंड प्रोटेक्शन है। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसमें कर लोगे। दूसरी बात है, आपने एक पॉक्सो पढ़ा है ना, पॉक्सो 2012, पॉक्सो से रिलेटेड भी कुछ चीज़ हम चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पर इसका कुछ रेलिवेंस है कि हम डिस्कस कर लें कि पॉक्सो में जो, क्योंकि पॉक्सो में तो विक्टिम हो रहा है वो, तो यहाँ इसके साथ यूनिफॉर्मिटी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है। इसके बाद हीनियस ऑफेंसेस, पेटी ऑफेंसेस, देन ठीक है, इसके बाद और आपको क्या देखना है, यस जैसे मैंने बोला प्रोसीजर भी देखेंगे हम, प्रोसीजर देखेंगे ओके, कि इसमें कहाँ कैसे क्या प्रोसीजर चलना है, अगर कोई चाइल्ड है कन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसका ट्रायल कैसे होगा। और इसमें भी स्पेशली सिर्फ हम ये देखेंगे कि कहाँ पर आप इनका ट्रायल करा रहे हो और कितना पनिशमेंट आप दिला रहे हो, ठीक है राइट, इतना देखेंगे। इसके बाद फिर आप इसमें ठीक है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कौन कौन है, क्या क्या होगा, दैट इज़ व्हाट। इसके बाद सेक्शन 28 वेलफेयर कमेटी, इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे छोटी छोटी सी चीज़ें आप देखेंगे कि इसकी रेगुलर रिपोर्टिंग होना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस आए, इसमें नॉन रिपोर्टिंग में पनिशमेंट है, अगर पनिशमेंट या पेनल्टी है तो कितना है, है ना। और इसके बाद अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड है, तो आपको पता ही है, मैं आपसे पूछ लूँ एक क्वेश्चन ज़रा जाते जाते, अगर कोई चाइल्ड है और उसके बारे में आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है और आपने वो विक्टिम है या एक्यूज भी है, अगर आपने उसकी उसको आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया तो आईपीसी में कौन सा सेक्शन आएगा भूमिका, विच सेक्शन डील विद इट। वेरी गुड, परफेक्टली फाइन, आपको पढ़ा के मुझे अच्छा लगा, यू आर वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव, है ना ओके। सो ये भी हम देखेंगे एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि अपील होती है कि नहीं, और अगर अपील होती है तो अपील का क्या प्रोसेस है। और एक चीज़ और कि अडॉप्शन कराएंगे हम, अडॉप्शन होता है तो किसका होता है, कैसे होता है, दैट इज़ व्हाट, ठीक है ना। पनिशमेंट क्या कराएंगे, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम इसको फिनिश करेंगे ओके ओके, दैट्स गुड। सो फॉर टुडे आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास, आई होप यू हैव हैड समथिंग यू नो इन्फॉर्मेटिव राइट। बाकी वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास जो भी हमारा क्लास होगा, राइट, वेरी गुड ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।